Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Duniya. So in this video we'll discuss about the last preparation methods for aldehyde and ketone. So इस वाले वीडियो में जो हम preparation methods की बात करने वाले हैं, वो सबसे last preparation method है. इसके बाद preparation method वो खत्म होते हैं. So next video में हम discuss करेंगे about the polarity and reactivity of carbonyl compound. ठीक है, तो जो दो preparation method बचे हुए हैं, already हम बहुत सारे preparation methods पे discussion कर चुके हैं. हर एक वीडियो में आपको दो दो preparation method वो मिल जाते हैं. सो आप पहले वाले वीडियो उनको देखते रहिए, सीरीज में देखिए, जो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. इस वाले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम करेंगे दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन. फर्स्ट वन इज एटार्ड रिएक्शन एंड सेकंड वन इज स्टीफन रिएक्शन. ठीक है, एटार्ड रिएक्शन क्या होती है, स्टीफन रिएक्शन क्या होती है. हमें दो रिएक्शन से क्या करना है, यहाँ पे दो रिएक्शन से एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन करनी है. तो जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है दोनों ही रिएक्शन का, वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है. अब यहां से ये वाली रिएक्शन आपको कहां से पढ़नी है. ठीक है, तो देखिए इन दोनों रिएक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं विद मैकेनिज्म. वीडियो आपको कहां पे मिलेंगे, अब देखिए वीडियो है वो आपको कहां से मिलेंगे, एमएससी फाइनल की प्लेलिस्ट से मिलेंगे. वीडियोस के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. लेकिन मैंने पर्टिकुलर वीडियो इन पे क्यों बताया है, मैंने वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं डाला, क्योंकि देखिए यदि मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ आपको नहीं समझ आएगा. आप थंबनेल पे सीधा देखेंगे एमएससी फाइनल, तो आप सोचेंगे नहीं ये तो हमारे काम का वीडियो नहीं है. लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ, टॉपिक चाहे बीएससी का हो चाहे एमएससी का, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है. एंड नेम रिएक्शन है वो चाहे आपकी बीएससी में हो चाहे एमएससी में हो, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एमएससी प्रीवियस में भी है, बीएससी सेकंड ईयर में भी है, तो दोनों सेम ही होती हैं. ठीक है, तो ऐसे ही ये दोनों रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन. तो ये दोनों रिएक्शन मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि फायदा नहीं है कोई. वहां पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी सेम चीज है. तो एमएससी फाइनल लिखा हुआ मिलेगा आपको थंबनेल पे, मैं एडिट करके बीएससी सेकंड ईयर भी साथ में कर दूंगी. ठीक है, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए. बीएससी सेकंड ईयर भी मैं कर दूंगी एडिट करके थंबनेल पे. तो ये दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी माइंड में थॉट नहीं लेके आना कि हमें एमएससी लेवल का पढ़ाया जा रहा है बीएससी में, क्योंकि ये होता है. और ये चीजें मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी की है. ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन में होती तो शायद मुझे ये चीजें नहीं पता होती, बट मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी की है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है. तो उनसे मुझे पता है कि ऐसे थॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें तो पता नहीं हायर क्लासेस के लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, रिएक्शन जस्ट रिएक्शन होती है, चाहे फिर वो 12th की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे या फिर एमएससी. ठीक है, रिएक्शन जस्ट रिएक्शन होती है. तो दोनों रिएक्शंस हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको जाके चेकआउट करना है. और इसी के साथ में आपका प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शन, अबाउट द पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे. सो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.